नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय फिर से आ गया हूँ आजादपुर मंडी ए ब्लॉक में। और आज तारीख है 23 सितंबर 2024, सोमवार का दिन है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आज लहसुन, और लहसुन का क्या हाव भाव है आज के दिन में, कितनी गाड़ी का आवक है वो जानेंगे, और क्या रेट चल रहा है, और कौन सा माल आया हुआ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इनका ब्राइट में सबसे पहले दिखा देता हूँ, देख पा रहे यहाँ पे ये कलिया दिखाई दे रहे हैं, लाजवाब कलिया है भैया, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल चमकदार। तो देखो भाई यहाँ पे देखो भाई, और यहाँ पे भैया के शॉप में देखो, आजकल बहुत सारी भीड़ तो है। और यहाँ पे भैया जी भी चिकना होकर आ गए, वाह भाई वाह, कैसे हो भैया जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे कैसे हो सोनू जी, नमस्कार जी नमस्कार। तो गाइस देखो भाई माल देखो, तो सोनू जी कैसा है, बिक्री बट्टा से ही चल रहा है या नहीं हो भाई? थोड़ा कुछ खुला है। हाँ खुला है ना? हाँ खुला है, तो मतलब उम्मीद जाग गया है जो रेट बढ़ेगा? नहीं रेट नहीं बढ़ेगा। क्या कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूँ 5 रुपए तो क्यों, रेट जो है यही चलेंगे, यही चलेंगे, 20 ऊपर नीचे यही सिमट जाएंगे। ओके 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 ओके, तो चलिए मैं पहले यहाँ पे सामान दिखा देता हूँ। तो देखो भाई इनके पास जो भी आइटम है, मतलब वैरायटी है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे लहसुन की वैरायटी अलग अलग दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखो भाई, ये देखो कितना बढ़िया साफ सुथरा माल है। और आज इनका पास गाड़ी आया हुआ है, देखो भाई गाड़ी आया हुआ है यहाँ पे। तो चलिए गाड़ी पे भी दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे भी है कलिया, यहाँ पे भी है। तो देखो कलिया है, तो सबसे पहले माल दिखाने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा जो इनके भैया क्या कौन सा आइटम में डील करते हैं ज़्यादा। तो देख पा रहे होंगे जो भी व्यापारी भाई लोग देख रहे हो, देखो ये आपका आइटम है। और गाड़ी पे देखो, गाड़ी तो फुल है यहाँ पे, और इधर भी गाड़ी लगी हुई है, देखो भाई 1 2 3 4 गाड़ी इधर है, इधर तो है नहीं। तो चलिए भैया के पास पहुँचते हैं। और ये सबसे गिरा हुआ जो माल होता है 50-70 रुपये वाला माल ये है। तो चलिए भैया से पूछते हैं क्या आज का आवक है, क्या विचार चल रहा है, क्या कैसे भैया? नमस्ते भैया, मैं किसान भाई को और व्यापारी भाई को निवेदन करता हूँ, नमस्कार भी करता हूँ। तो निवेदन क्या करोगे वो बताओ पहले, निवेदन का मतलब हो गया कुछ जानना बताना चाहते हो वो बताओ। आज हम बताना इसलिए चाह रहे हैं कि माल तो आज सोमवार के दिन है, माल आया है अपने पास 100-125 कट्टे का, और मैंने बेचा भी हूँ। ओके, व्यापारी नाना कर रहा था तब भी जबरदस्ती हमने बेचा माल। तो सबसे पहले गाड़ी का तो आवक बताओ। हाँ गाड़ी तो आपका आज मैं बता दूँ, आज 16 गाड़ी का आमदनी है दिल्ली, 16 गाड़ी का जी भैया, जिसमें 16 गाड़ी में आपका मान के चलिए 9 गाड़ी आपका यूपी है, यूपी बहुत तबड़तोड़ भेज रहे हैं ना, और जिसमें 3 गाड़ी आपका ईरान है, 1 गाड़ी एमपीसी में दिखाई दे रहा है, और 1 गाड़ी एमपी नहीं है, 3 गाड़ी एमपी है, 3 गाड़ी एमपी है ओके, और उसके बाद में 1 गाड़ी हरियाणा है, 1 गाड़ी पंजाब दिखा रहा है, 1 गाड़ी आपका चाइना दिखा रहा है, चाइना में छिपावरो छिपावरो जी भैया छिपावरो, बाकी वो गोल गोल माल तो आ ही रहा है, आ ही रहा है, ओके ओके ओके, चाइना मतलब आ ही रहा है। हाँ वो तो आपको मान के चलो इंडिया में बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो चाहे शायद मोदी सरकार भी चाह रहा होगा बेचे भाई बेचे, उनको क्या है, उनको अपना देखो अपनी कुर्सी से मतलब। हाँ वही वो किसानों का बोलेगा, 2 करोड़ 4 करोड़ किसान है, इनको सोच के कुछ फायदा नहीं है, इसलिए सोच रहे जनता का सोच रहे, वोट सोच रहे, वोट चाहिए वोट चाहिए। तो कमेंट करना क्या मेरा बात सही है या नहीं है, कमेंट कीजिएगा आप लोग, क्या मोदी जी क्या सोच रहे हैं, क्या ये बंद नहीं करवा सकते सरकार, चुटकियों में दिल्ली से बंद करवा सकते हैं, चाहे तो 1 मिनट की 1 पल में भी काम हो जाए। हाँ 1 पल में काम हो जाए तो क्यों नहीं कर रहे है? क्या मोटा पैसा उनको भी मिल रहा है क्या? ना मैं पूछ रहा हूँ जनता से, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जरूर बताए हमें, क्या मोटा पैसा सरकार को भी मिल रहा है? दे रहा होगा भैया, मैं ये बात नहीं बोलूंगा, आप बोलो। हाँ मैं ही बोल रहा हूँ ये। तो भैया जी चलो सबसे पहले यूपी का माल दिखाइए, आपके पास यूपी बहुत बढ़िया आ रहा है। यूपी देखो आज मैंने जावा बेचा हूँ, यहाँ पे आपका 210 रुपए तक बेचा हूँ कली, 210। हाँ और एक कली आप मान के चलो 180 रुपए मांग रहा है, व्यापारी भाई बेचने नहीं दे रहा है। तो आप क्या दे रहे हो? हम तो चाहते हैं 200 रुपए और 195-90 रुपए बिक जाए तो बहुत है। ओके बहुत है। हाँ, ओके, मगर ओके। क्या व्यापारी बेचवाल नहीं है, अभी 100
75 भी लहसुन मांगा है कली ये, पर दे नहीं रहा व्यापारी। ओके ओके ओके, दे नहीं रहा है ना। ओके ओके, तो ये सेम है। हाँ ये सेम है। ओके ओके, बाकी आज तो मैं जावा बेचा भी हूँ, ऊंचे में 210 रुपए तक बेचा हूँ। 210 रुपए तक। ओके ओके, और ये सेम है ना, ये अलग है? ये तो अलग है, ये बेचा हूँ 170 रुपए किलो। ये 170 रुपए के जी है जी भाई। तो और ये लाट मैंने बेचा 170 रुपए। ओके ओके, कोई बात नहीं, 170 रुपए भाई। देखो और देखो मीडियम मांगा है, मीडियम यूपी, ये सारा यूपी है ना जी भैया। ओके, यूपी को का दिखाओ। 165 रुपए मांगा है, व्यापारी बेचवा नहीं है। ओके 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 भाई, देखो 165 मांगा है, मगर 165 नहीं देगा, कितना में देगा भाई को? माला ये कह रहा है 170 से कम। 170? ओके ओके, 170 व्यापारी भाई लोग। ओके ओके ओके, आपका? ओके ओके, कोई कुरावली से है, कोई भूगांव से है, कोई गिरौर से है। ओके ओके, समझ गए हो, ऐसा ही करके सब आनी उत्तराखंड में पड़ता हूँ, उत्तर प्रदेश में। हाँ जी। और ये? और मैं बिहार से हूँ। ओके ओके, और मैं आसाम से हूँ। हाँ जी, तो तीन आदमी है, तीनों क्षेत्र का आदमी है। हाँ बिल्कुल, ये लाट और वो लाट एक को माल है। एक को माल। गाइस देखो, पहली बार ऐसा रेट जो बताया जा रहा है व्यापारी के सामने बताया जा रहा है, कोई ऐसा नहीं बताता होगा, बस हमारे वीडियो में दिखाया जाता है ऐसा रेट। आप आते हो तो मेरे को शर्म होता है, इसलिए मैं आपको इंटरव्यू दे देता हूँ। ओके ओके, हमारा व्यापारी भाई खुश रहना चाहिए, किसान भाई खुश रहना चाहिए, बाकी तो हम तो खुश रहिए ना, दूसरे लोग तो भगा देते हैं, भाई आप जाओ के उधर बैठो, इधर बैठो, हम इंटरव्यू चुपके चुपके देते हैं। उसको मैल लग जाएगा ना शरीर में। और ये भी देखो, मेरा बिरादर भाई है यादव भाई, इसका नाम है जादव। यादव? हाँ यादव जी ना। यादव जी, तो पूरा नाम तो बताओ खुल के। अवधेश यादव। अवधेश यादव, हमेशा पहले अपना नाम बताओ फिर अपना सरनेम बताओ, ये होता है तरीका। तो चलिए भैया जी आगे चलो, यूपी का माल दिखाओ, यूपी का माल सबसे पहले। ये मांगा 170 रुपए किलो, एक लाड है, मगर क्या बेचने नहीं दिया करा, 180 से कम नहीं। 180 से कम नहीं, चलो भाई ऐसा तो क्या बताऊं भाई। और वो भी देखिए, आपका ऊपी लहसुन है, ये आपका अभी मैंने 210 रुपए रेट रखा हूँ, मगर 210 रुपए अभी मांगा नहीं। ओके, मांगा नहीं। और ये कौन सा है? हरियाणा है। हरियाणा, हरियाणा। तो ये सेल हो रहा है या नहीं अभी? हो रहा है थोड़ा बहुत, कल मैंने बेचा था। क्या रेट में आया था दुकान पे? मैंने 230 से लेके 250 रुपए तक बेचा। ओके ओके, हरियाणा। कल मैंने 100 जाली बेचा। 100 जाली कल? ओके ओके, था कोई पार्टी मेरे पास आया था, आपको मैंने इंटरव्यू, वो बीज के लिए ले गया था। ओके, बीज के लिए। ओके, ये भी ओपी है, दातरा पैटर्न माल है। दातरा पैटर्न माल है, ये बिकेगा 180 और 90 के बीच में। 180 190। और ये जो है कलिया, ये बेचा हूँ भैया 170 रुपए किलो। 170 रुपए, बहुत ही साफ सुथरा माल है ना। साफ सुथरा है भैया, जैसे ऊपर दिख रहा है ना, अगर वैसे माल हो तो 200 रुपए बिकेगा। ओके, अंदर कुछ और है? अंदर हल्का निकल गया, ये देखिए, ये इसमें और इसमें अंतर। ओके ओके ओके, इसमें हल्का सा रफ माल है, इसमें सफाई ज्यादा है। ओके ओके, ये बात हो गया। और ये कौन सा है? ये आपका रामपुर बरेली का माल है। बरेली यूपी का ही है। बताइए इसे क्या रेट है? ये भैया यहाँ पे बिक रहा है 220 और 30 रुपए के बीच में। ओके ओके, 220 30 के बीच में। भाई देखो, इतना बड़ा बड़ा माल भी आ रहा है, मतलब ऐसा अगर सारा साइज हो, ऐसा साइज हो तो मैं आज की डेट में भी 250 नहीं 300 रुपए बेच दूंगा। 300 रुपए बेच दे लोगे, सारा ऐसा होना चाहिए। ओके ओके ओके, गाय देखो ये माल देसी माल है। तो आपको जो मैंने इंटरव्यू में दिखाया था कल परसों, सॉरी, तो वो तो बेचा हूँ मैं, मगर यही माल बेचा था 250। ओके ओके, ये हरियाणा है? हाँ ये हरियाणा नहीं, ये रामपुर बरेली का माल है। ओ, 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 ये बात है। ऐसा माल आप दिखा रहे हो ना, ऐसा माल है तो 280 रुपए में तो मैं पक्का दे दूंगा। ओके बिल्कुल बिल्कुल, देखो भाई ये देखो, ये शंकर है, शंकर के मुकाबले इसका साइज देखो 45 mm है, 50 mm है। वही तो मैं सोच रहा हूँ, इतना वजन भी है इसमें और हल्का माल है भाई, उतना वजन भी नहीं है। तो एक गांठ जैसे गोल गोल का होता है ना, वैसा ही हुआ है। हाँ, ये चाइना वाला ऐसा माल होता है, बड़े बड़े साइज का है ना। ओके ओके, तो और बताओ भैया जी, पीछे चलो ना, पीछे भी दिखाओ, ये क्या कौन सा है? ना, ये बताओ कौन सा है? ये आपका कोटा का माल है, मगर ग्रेडिंग होके हरियाणा से आया हुआ है। ग्रेडिंग होके हरियाणा से आया हुआ है जी भैया। तो क्या रेट इसका? ये ज्यादा बिकेगा 180-190 के बीच में, हाथ मारिएगा तो 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो। ओके ओके, तो पीछे चलिए, गाड़ी भी खाली हो रही है ना आपकी? मेरा माल आया हुआ थोड़ा। ओके 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 ओके, तो देखो भाई माल तो बहुत जबरदस्त दे रखा है। ये बताओ, ये तो
ये क्या रेट चल रहा है? ये सब तो भूमि माल है आपका, ये बिकेगा 200 रुपए, 190 और 200 रुपए के बीच में। वो क्या है 200 रुपए के बीच में? ये बिकेगा आपका 180-190 रुपए, 180-190 के बीच में। जी भैया। और इधर भी दिखाओ, ये भी अलग मार्का है। हाँ, ये बेचा हूँ, यही कलिया बेचा हूँ 200 रुपए के। ये 200 रुपए के जी ना? ओके ओके, ये कली गया हुआ है 200 रुपए के जी। भाई देखो, ये 250 रुपए बाहर जाएगा या नहीं? जो ये लोग हैं, ये परचून में बिकेगा, समझ लीजिए 100 रुपए पाव बिकेगा। ओके, 100 रुपए पाव बिक जाएगा। ओके, 100 रुपए पाव तो बेचेगा रिटेलर वाले। और जो ये मासाखोर वाले जो नीचे जो 2-3 बोरी लगा के बैठे हुए हैं, वो सब तो मान के चलिए धरी के हिसाब से, और उसके बाद में कोई 5 किलो लेता है, कोई 10 किलो लेता है, कोई 20 किलो, वो है वो हिसाब से देगा ना। जो ये जो जिसको मैंने माल दिया ना, ये रिटेल में बेचेगा। ओके, जैसे वो कोई पाव लेगा, कोई किलो लेगा, कोई 2 किलो लेगा, कोई 5 किलो लेगा। ओके ओके, ऐसे होगा, ऐसे रेट होगा। तो और ये भी आया भाई का, आज ही आया हुआ है? कौन सा? नहीं, ये तो पहले का माल पड़ा हुआ, ये आज आया है। और ये माल देखिए, ये हमारा व्यापारी भाई ना, बहुत अच्छा व्यापारी है। हाँ। और माल तो स्पेशल डाल रखा है, स्पेशल डाल रखा है आपके लिए। आप बेचने में माहिर हो ना। हाँ। ये माल इसीलिए, ये माल तो मान के चलिए उधारी कचरा में घर में अगर डाल देता सही रहता। हाँ, तो ये क्यों बेच दिया? तेजी के कारण से इसलिए डाल दिया है, बिक भी जाएगा। बिक भी जाएगा, क्या रेट देगा? 10-20-30? नहीं, ये ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए किलो बिक जाएगा। 50 रुपए माल है भी या नहीं इसमें? माल तो आपका 10% भी नहीं होगा इसमें, 10% भी नहीं होगा। और देखो भाई, सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, ऐसा माल ना भेजे दिल्ली में यार, ऐसे कबाड़ यहाँ पे है, उल्टा ये कबाड़ हो गया और कबाड़ ही हो जाएगा। तो चलिए भैया जी, गाड़ी में ये माल आया हुआ है अभी ना, ये देखो भाई, ये क्या रेट का माल है? हाँ, देखिए क्या वो बिकता है नहीं बिकता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो उतर रहा है गाड़ी। ओके, अभी गाड़ी उतर रहा है, इसका रेट नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी हिसाब किताब बाकी है इसका ना। नहीं, रेट आप अगर कहोगे तो मैं बता दूंगा, चिट्ठी आ चुका है मेरे पास। ओके भाई, देखो चिट्ठी महादेव जी है क्या? नहीं, जय बोले है। जय बोल, जय महावीर। हाँ, जय महावीर ट्रेडिंग। हनुमान जी का मैं भक्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो इसमें लिखा हुआ 15 लाख, देखिए 175 रुपए लिखा हुआ है, 175 रुपए लिखा हुआ है। और ये चिट्ठी दिखा सकता हूँ? चिट्ठी हाँ बिल्कुल दिखा भाई, देखो चिट्ठी दिखा सकते है। देखो भाई, ये चिट्ठी है, चिट्ठी में सारा मेंशन है जो आज का गाड़ी आया हुआ है ना। ओके ओके ओके, इसी हिसाब से ये बिकेगा ना माल। ओके ओके ओके, और ये यूपी का माल है सारा ना। हाँ, ये यूपी का आज ही उतरा है। ओके ओके ओके, ओके ओके ओके, एमपी है, एमपी, एमपी का क्या रेट चल रहा है आज? एमपी का भैया देखो, यहाँ पे क्या है, माल मांग नहीं रहा है, आज 3 गाड़ी है मार्केट के अंदर, लहसुन बिक नहीं रहा है, लहसुन ज्यादा ज्यादा बिक रहा है, बिहारी भाई यही उठा रहा है, मान के चलिए यहाँ पे 180 से लेके 210-220 रुपए किलो तक। तो सबसे ज्यादा लहसुन यूपी का ही चल रहा है अभी? हाँ, यूपी का इसलिए चल रहा है कि ये धुलाई भुलाई वाले है ना जो, वो ले जाता है। ओके ओके, इसका बजट भी कम है। हाँ, उसका 16-17 रुपए में लहसुन बिक रहा है। ओके, जैसे 160-170 रुपए किलो बिक रहा है। ओके ओके, तो भैया जी देखो, एक गाड़ी नंबर नोट कर लेना, इस गाड़ी में माल आया था ये भाई का, ये वाला माल भाई, दिल्ली में ऐसे ही कचरा है और भी ये कचरे भेज रहे हो यार। तो चलिए भैया के पास पहुंचते हैं। भैया जी और बताओ क्या चल रहा है, डील हो गया पक्का? हाँ, भैया से बात हो गया। हाँ। और उनसे भी बात हो गया। ओके, देखिए ये लहसुन है। हाँ। ये 250 रुपए के बीच आया है, देखिए क्या वो बिकता है, मैं बताऊंगा बाद। ओके ओके, अभी आया हुआ है ना। ओके ओके ओके, तो ये कौन सा पैटर्न है, क्या नाम बोलते हैं इसको? इनको ना तो शंकर है ना तो काटर गोला। ओके, दोनों मिक्स है भाजी। ओके, दोनों मिक्स है। ओके ओके ओके, ये यूपी वाले मिक्स भेज देते हैं हम ना, अगर साइज अगर ग्रेडिंग करे तो इसको क्या मिलेगा? तो बढ़िया मिलेगा, शंकर अलग कर दे, काटर गोला अलग। देखिए ये जो साइज है, चलिए ये शंकर है। हाँ, समझ गया। हाँ, और ये काटर गोला है। ओके ओके, ये वाले। हाँ, ये काटर गोला, ये छोटा वाला। हाँ जी, तो क्या दोनों मिक्स है इसमें? ओके, दोनों मिक्स है। हाँ, तो इसका रेट कम ही हो जाएगा ना, 20-30 रुपए कम ही हो जाएगा। हाँ, अगर ग्रेडिंग करके बेचते हैं, कॉल कर रहा हूँ आपको। तो गाइस देखो, सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, आप लोग ग्रेडिंग करना सीख जाइए, दिल्ली में काफी पावरफुल रेट मिलता है। और भैया जी, यूपी का मतलब डिमांड ज्यादा है, कम चल रहा है? मतलब ज्यादा नहीं है, देखिए उनको इसलिए ज्यादा है आपको डिमांड, हमारा बिहारी भाई जो है ना, वो या तो ईरान बेच रहा है। हाँ, या तो गोल बेच रहा है, मतलब चाइना बेच रहा है। ओके, उसमें तो क्या है, मान लीजिए वो भी मजदूर आदमी है, 2 रुपया कमाएगा नहीं कमाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, और वो अपने बाल बच्चे कैसे पालेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं अभी रो रहा हूँ,
एक्चुअली मैं रो ही रहा हूँ, समझ लो माल काम नहीं चल रहा है तो रोना ही पड़ रहा है। ओके ओके ओके। ना तो हमारा व्यापारी भाई को माल बिक रहा है, ना तो किसान भाई को बिक रहा है, ना तो मैं माल मंगा रहा हूँ, ना तो बेच रहा हूँ। क्या मान लीजिए इसमें आ गए 40-50 कट्टे आ गया, क्या कमा लीजिए। और यहाँ मान लीजिए 100 कट्टे 125 कट्टे आए तो क्या कमाएंगे। ओके बिल्कुल बिल्कुल। 200-300 कट्टे आए सेल हो डेली का तो रूटीन घूमता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए। ओके। अब कल मान के चलिए कल वो बीज वाले आ गया मेरा भैया व्यापारी लोग, तो उसमें वो 100 कट्टे ले गया तो उसमें क्या है मैंने धकेल दिया जो भी है ना। तो भैया जी ये बताओ जो आने वाले टाइम में क्या रेट ऐसा ही बना हुआ रहेगा ना अभी एक महीना तक? रेट ऐसा ही बना रहेगा जब तक भैया दो चीज अगर मान लीजिए नहीं थमेगा, तब तक ये बाजार देसी वाले को उठ पटांग ही रहेगा। तो भाई मैं बोल देता हूँ, एक है चाइना और एक है ईरान। ईरान तो आ ही रहा है, चलो ये पत्ते से आ रहा है मेन पूरा फुल, तो आपका मान के चलिए कागज के साथ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, बाकी तो वो तो आपको आ ही रहा है। वो आ ही रहा है क्योंकि अभी सुनने में दो दिन से आ रहा है, जो वो माल आ रहा है बिकी रहा है यहाँ पे 100% आ रहा है। 3-3 बजे रात में जैसे मर्जी आप दुकानदारी कर लो। ओके ओके, 3 बजे के बाद आ रहा है रात को, भाई देखो तो इसके वजह से दिक्कत आ ही रहा है ना, इस वजह से हम रो रहे हैं बैठ को। ओके रो रहे हैं, देसी वाला हमारा व्यापारी भाई लोग है, किसान भाई है, वो सब रो रहा है। रो रहा है, थोड़ा बहुत हमारा बिहारी भाई भी रो रहा है। रो रहा है क्योंकि मान के चलिए जो देसी का माल कारोबार करने वाले हैं वो उसको माल बिक ही नहीं रहा है। ओके ओके, क्योंकि वो बेचने ही नहीं दे रहा है ना। ओके ओके, अगला वाला पार्टी मतलब जो चाइना है वो बहुत ही खतरनाक लोगों का दिमाग में बैठा हुआ है। इस वजह से मान को चलिए हिमाचल नहीं बिक रहा है आपका। ओके हाँ, हिमाचल भी सुनने में गाड़ी आ ही नहीं रहा है। ये बिल्कुल ही एकदम बंद कर दिया है, स्टॉपेज लगा दिया है। इसलिए MP भी बंद हो गया है। अब चल कौन सा रहा है, ये UP, क्योंकि UP में रेट हल्का सा नीचे है और पड़ते जैसे धुलाई वाले ले जा रहा है हल्का माल, कोई और बिहारी भाई ले जा रहा है, ये सब चल रहा है। ओके तो भैया जी चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, हम तो हर वीडियो में आवाज उठाएंगे चाइना का, और अपना बोलो मैं तो बोल ही दूंगा। तो भैया जी नहीं बोलूंगा, देखो भैया मेरा काम करना है, हकीकत बताओ, मैं तो बोला हूँ ना, तो मैं चाइना आदमी हूँ ना चाइना वाला काम करता हूँ। ओके ओके, तो कॉन्टेक्ट नंबर दे दो मैं आप कॉन्टेक्ट नंबर। मेरा पहला नंबर है प्रिया ट्रेडिंग कंपनी और शॉप नंबर है 293 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है आपका 99-99-21-83। मेरा शुभ नाम है लाल बाबू यादव। थैंक यू भैया जी, दिए हुए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं। थैंक यू भैया। ओके सर।